आप पूरी रात के जागे हुए हैं, कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? बहुत डरी हुई है ये, नींद में भी हिचकियां ले रही थी, अभी उठेगी मुझे अपने पास नहीं पाएगी तो मैं डर जाएगी। आदिल मियां और वो अब्बासी साहब और उनके बेटे आए फुर्सत देने के लिए। आप चले, मैं आता हूं। जी प्लीज कोई इन दुनिया वालों से जाके कह दे कि उनसे पुरसा वसूल करने से ज्यादा अहम मेरा अपनी बहन के पास होना है। बुलंद से कोई कांटेक्ट हो? मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। अब्बा और बख्तियार अंकल के फोन तो खातिर अपने साथ ले गए थे, कैसे कांटेक्ट करूं? आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि इतने दिनों तक हम अंकल की मैयत को कैसे रखेंगे। सारा, मैं इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लूँ बुलंद के बगैर? जितने भी नेबर्स आए हैं वो सिर्फ अंकल को जानते हैं। 4-5 साल से बुलंद आया ही नहीं है पाकिस्तान। नोबडी नोज हिम। अगर बुलंद आ जाता तो अब्बा और अंकल की तदफीन बराबर में करा देता। देखो मैं जा रहा हूं नीचे, तुम इसके पास से मत रुकना, फिर घबरा जाएगी। अब आप आपका बीपी, अब आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो वॉक करो, चले चलो वॉक करो, चले चलो वॉक करो। हेलो हेलो, डीएसपी हमीद बोल रहा हूँ। रहमतुल्लाह और बख्तियार साहब को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। मैं उनकी नेक्स्ट डोर नेबर हूँ। उस दिन मैं लाहौर गई थी जिस दिन यह हादसा हुआ। कुछ दिन पहले बख्तियार भाई खुद मेरे दरवाजे पर मिठाई लेकर आए, कहने लगे कि उन्होंने अपने बेटे की रुदावा से मंगनी की है। हाँ, इतने खुश कि हम क्या बताएं, पूरे मोहल्ले में मिठाई देने हम खुद गए। उसी रात देखा दोनों दोस्त जा रहे थे, रहमतुल्ला भाई बोले समंदर पे हवा खाने जा रहे हैं। भाभी, जब से रहमतुल्ला भाई यहाँ शिफ्ट हुए हैं बख्तियार भाई के साथ ही रहते थे हमेशा। उनके बेटे का कुछ पता चला? नहीं जी, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला। बस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई रابطہ ही नहीं पॉसिबल है। अब आदिल भी बेचारे क्या करते, बहुत इंतजार किया और फिर डिसीशन लिया कि तदफीन करा देते हैं। हाँ जाहिर है, करते भी क्या, 3 दिन से जनाजा रखा हुआ था। लेकिन हमने तो कभी इनके बेटे को यहाँ देखा ही नहीं। हाँ शुरू शुरू हमने देखा कि एक दुबला पतला सा लाबालिग सा लड़का था,
लेकिन उसके बाद वो कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। क्या कह सकते हैं, आजकल की औलाद बहुत गैर जिम्मेदार हो गई है। अब देखिए कि बाप दुनिया से चला गया और उसको कोई खबर ही नहीं है, और ये बेचारी हमारी बच्ची फंस गई एक ऐसे आदमी के साथ जो इतना गैर जिम्मेदार है। So sad. अल्लाह करे कि बस वो लड़का जल्दी से आ जाए और हम सबके अंदेशे खत्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि उसको पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं करनी हो और बाप से नाराज हो, इसीलिए तो उसने कभी अपने बाप की कोई खबर ही नहीं ली। देखिए अब्बा जी ने जल्दी तो बहुत की है, बेचारी हमारी मासूम बच्ची बहुत ही सादा और सिंपल है। अरे किसी से कोई सलाह मशवरा ही कर लेते, हमसे पूछ लेते, बस झट से मम्मी करा दी। Oh my baby. क्या करूं? तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है? तुम्हें लगता है तुम्हारे जाने से मेरे घर में जगह कम पड़ जाएगी? मेरा घर, मेरी जान, मेरा सब कुछ मेरी बहन के लिए हाजिर है। देखो बेटा, मैं बस जैसा तो नहीं हूं, लेकिन मैं जितना प्यार तो कर सकता हूं ना तुमसे। भाई प्लीज मुझे अपना घर छोड़ने को ना कह, मैं नहीं रहना, प्लीज मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें यहाँ पे, कैसे रहोगी तुम अकेली? मैं रह लूंगी, अब्बा ने कहा था लड़की अपने बाप के घर अच्छी लगती। देखो रुदाबा, मैं तुम्हें ऐसे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। भाइयों के होते हुए बहनें अकेली रहती अच्छी नहीं लगती। अगर तुमने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी ना, तो मैं परीजे, साहिरा अपना घर छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आके रहना शुरू कर देता। अभी तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलती हो या मुझे अपने साथ यहाँ पे रखती हो। भाई, भाई मैं कैसे जाऊँ? इस घर में अब्बा की याद है, ये मेरा घर है, ये अब्बा का घर है, मैं कैसे जाऊँ? आदिल, बेटा बेटा मैं भी तो तुम्हारा अब्बा हूँ ना, तुम मेरी बेटी हो ना। अच्छा सुनो, एक दफा मेरा कहा मानकर मेरे साथ चलो, बेशक यहाँ रोज आ जाना। ऑलराइट, आई लीव इट टू यू नाउ, तुम मेरे साथ चलती हो या मुझे अपने साथ यहाँ पे रखती हो। आदिल, सायरा, मेरा बीपी लो रहा है। अच्छा इधर बैठो। हाँ, मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं? बैठो तो सही, मेरे हाथ ऐसे ठंडे पड़ रहे हैं। I'm feeling so sick. I can't breathe. सायरा, हुआ क्या है? I'm feeling so... What are you feeling? मेरा सांस रुक रहा है। I can't breathe. गर्मी की वजह से हो रहा होगा। अच्छा listen, let's go to a doctor. बेटा मैंने जो कहा है आप उसको याद रखना, ठीक है? मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। उठो उठो सायरा, सायरा उठो, get up, help her, get up, come, let's go, भाभी का ध्यान रखें। बेटा बेटा मैं आता हूँ, चलो चलो चलो, चलो ना। मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दी है बाकायदगी से लेते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सायरा, स्टॉप स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। हाउ कैन आई स्टॉप स्ट्रेसिंग?
मेरे फादर लॉ के हाथ से मैं डेथ हो गई। He died. I'm devastated. और मैं रुदाबा को कैसे संभालूं? रो रो के उसने अपना हशर कर लिया है, वो बच्ची है। I can't see her like this. Just, I don't know what to do. I just don't know what. I'm so upset. हेलो, परीजे, कैसे हो बेटा? मामा, मामू ने कहा है वो मेरे लिए एक पपी लेंगे, बहुत फर वाला। अब बाबा को मिस करती है? बहुत करती हूँ। तो ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप बाबा से बात करेंगी ना, तो उन्हें प्लीज जरूर बताइएगा कि आप उनको कितना मिस करती हैं। वो बहुत खुश होंगे। ओके मामा। खाला कहाँ है? सामने बैठी हुई, रो रही है। फोन दो उनको। हेलो तैयबा, तुम रो रही हो, और कर भी क्या सकती हूँ मैं? What's wrong with you तैयबा? Stop being ridiculous. इन गैर लड़कों के लिए तुम अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो? शादी होती तो अपना हो जाता, कभी भी नहीं। ये तुम्हारी भूल है। शौहर वो इंसान होता है जो सिर्फ जमाने के सामने अपना होता है। बीवी सोने की भी क्यों ना होके आ जाए, अपने शौहर को सोने में क्यों ना तोलते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर वालों के आगे उसको अपनी बीवी दिखाई नहीं देती। जब उसके बहन भाई सामने आ जाते हैं ना, तो सिर्फ उनकी हंसी खुशी, उनका हंसना रोना, उनका दुख देखता है। That's it. अगर पछतावा ही मुकद्दर है तो मुझे भी पछताना है। कोई नया पछतावा, कोई नया दुख, कोई नया घर, कोई गैर नुमा अपना मुझे भी चाहिए। इन आम लड़कियों की तरह मुझे भी इन सारी उलझनों में उलझना है। Just take it easy. हम बाद में बात करते हैं। Bye. मामू। मामू की जान, इधर आओ। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ। आइसक्रीम खाई थी? नहीं खाई? अच्छा भाई, वो खान को बोलो कि मेट को और इसको लेके जाए, आइसक्रीम खिला खिला। जा जा बेटा, बाय बाय। एक हसीस से खानदान के अदना से लड़के के लिए तुमने इतना रोना धोना मचाया हुआ है। तुम जानती हो मैं भी पछता रहा हूं कि मैंने उस लड़के से तुम्हारी मंगनी की क्यों। सिर्फ एक ही खूबी थी उनमें, शराफत। और था क्या? सिफर। ये दूसरा सिफर था जिनके घर वालों ने आपकी कीमती बहन को बेदर्दी से रिजेक्ट कर दिया। इसलिए कि उन दो टके के लोगों को अंदाजा नहीं था, पता नहीं था कि बशर मोमिन कौन है। कितना बड़ा एजाज है उनके लिए बशर मोमिन के साथ अपना नाम जोड़ना। ये किसी कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, जिनके लिए सफेद पोशी उनका लिबास और हलाल रिस्क उनकी गजा होती है। सारी जिंदगी मुफलिसी में मरते हैं, लेकिन अगर कोई इनसे आगे निकल जाए तो कहते हैं कि वो हराम कमा रहा है। ऐसे लोगों की क्या बात करती हो तुम? अच्छा हुआ मंगनी टूटी, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब रोना धोना बंद करो और मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हें घर बसाना है ना, तुम्हारे लिए मैं दूल्हा ढूंढूंगा। अब तक मैं सीरियस नहीं था। तुम जानती नहीं हो तुम्हारा भाई क्या चीज है। इस दुनिया के समंदर से हीरा ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे लिए, हीरा। बिका तो खरीद के, ना बिका तो लूट के, लूट के, लूट के, लूट के, लूट के, लूट के। Thank you.
ब्लैक कॉफी। हाँ भाई, मीटिंग कब है? सर मिनिस्टर और 4 बजे आते। घंटा वेट कराना उसे। मेरी बात हो गई ह्यूस्टन में, वो लोग होटल बेचने के लिए तैयार हैं। मेल पढ़ ली थी तुमने? जी सर, मैंने मेल पढ़ ली थी। खैबा कहाँ? सर मैम कह रही हैं उन्हें नाश्ता नहीं करना। तैयबा, मैं जानता हूं तुम सो नहीं रही हो, सिर्फ मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तकी के उस लड़के की वजह से। ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है? तैयबा, ये रोना पीटना बंद करो, वरना मैं सलमान का वो हशर करूंगा जो मैंने पहले वाले लड़के का किया था। और तुम जानती हो ये सब कुछ मेरे लिए कितना आसान है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से लोग हमारे साथ रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करते। शरीफ लोग डरते हैं आपसे। अरे तुम्हें तो फखर होना चाहिए इस बात पे कि दुनिया डरती है तुम्हारे भाई से। जिन लोगों से दुनिया डरती है ना, उनके साथ रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करती। अच्छा, अगर ऐसा होता तो सहरा की शादी हुई होती? लव मैरिज हुई थी उनकी। तो तुम भी कर लो बेटा लव मैरिज, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता, ये सब कुछ तो खत्म करो। क्योंकि जब जब तुम रोती हो मुझे और गुस्सा आता है। और अब अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तकी का और उसके बेटे का वो हाल करूंगा जो तुमने भी नहीं सोचा होगा। सर आप नाश्ता तो कर लें। अरे छोड़ यार, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले। सर ड्राइवर नाश्ता कर रहा है। अबे लाना भेज उसे, खुद चला, चल। मरियम, आज तुम्हें पूरा खाना खत्म करना है। ओके, डोंट लीव योर फूड। रदाबा, यू ओके? लाई मैं आपके लिए डाल दूँ। सायरा, रदाबा से पूछो ना। रदाबा, आई एम सो सॉरी, मैंने इसके लिए डाला। आई एम सो सॉरी। हियर, इट्स ओके। ये पास, ये लो, हैव सम ऑफ दिस। नहीं बॉबी, थैंक यू। क्या कर रहे हो बेटा? नो बेटा, आप बहुत वीक हो रहे हो, कुछ खा लो थोड़ा सा। हैव सम मोर, ले लो मोर, ले लो मोर। थैंक यू, आई एम सॉरी। नो नो, आई डोंट वांट एनी, आई एम नॉट फीलिंग गुड। स्मिता भी ठीक नहीं, थोड़ा सा खा लो, भूख लग जाएगी। दिल खा रहा। ओके दैट्स एनफ। अच्छा सुनो, वो रदाबा का सामान रखवा दिया तुमने? हाँ, मैंने नीचे वाले गेस्ट रूम में रखवा दिया था। गेस्ट रूम में क्यों? ऊपर वाले रूम में रखा सामान। हाँ लेकिन जब ये लास्ट टाइम आई थी तो नीचे वाले गेस्ट रूम में रही थी, तो आई थॉट कि इस बार भी वहीं पे रहेगी, इसलिए रखवाया था। लास्ट टाइम ये हमारी गेस्ट थी, अब मेहमान नहीं, अभी हमारी फैमिली है। और? क्या नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी इट्स नॉट अ बिग डील, मैं ऊपर रखवा देती हूँ। बेटा, हियर यू गो। Have it, Radhaba. Be a good girl. Start eating. खाना ठंडा हो जाएगा। आप खाओ अपना खाना, चावल मत खाओ। बाबा जल्दी कर, और कोई कुछ नहीं करेगा जब तक मैं कुछ नहीं कहता। सलमान, नीचे आओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम ठहरे बदनाम लोग, आप तो शरीफ इंसान है ना, मेहमानों की कैसे खातिर तवाज़ो की जाती है सिखाया नहीं किसी ने? कहा बेटा बुलाओ उसे। ओ, शगुन की मिठाई आई हुई है, वेरी गुड, बुलाओ उसे नीचे। वो घर पे नहीं है, जो बात करनी है मुझसे करो। सही तरह से घर में देखा नहीं? बैंक से 1 बजे घर पहुंचा है वो, कोई ग्रीन से कलर की शर्ट पहनी हुई है उसने। जाओ बुलाओ, सौदा करने आया हूं मैं तुम्हारे बेटे से, सौदा बुलाओ। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेहरबानी करके यहां से चले जाएं। मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी बहन के साथ मंगनी की थी तूने, बशर मोमिन की बहन के साथ।
और पशर मोमिन से रिश्ता जोड़ना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उससे रिश्ता तोड़ना, समझा? जबरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दो। जबरदस्ती? जबरदस्ती की बात कर रहा है तू? मेरी बहन से मंगनी की थी तूने, मोहब्बत के दावे किए उससे, समझा? तब मुझे आपकी असलियत का नहीं पता था। असलियत? असलियत की बात कर रहा है तू? पैसे का मजा चखा है तूने? कभी 5, 10, 20 लाख का सूट पहना है? आज लगा के देख इसे, इसकी मुलायमत से इंसान की गर्दन फखर से अकड़ जाती है जो ईमानदारी से नहीं अकड़ती, समझा? नहीं किए और मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश ही नहीं, करनी भी नहीं है। छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों की सोच भी आइसोलेट हो जाती है। ये तुम जैसों के बाप तुम लोगों को जब ये समझाते हैं ना कि इस दुनिया में कोई जन्नत नहीं है, जन्नत तो आखिरत में, अब है ना यहां कुछ मिलेगा ना वहां पे, लटकते रहोगे बीच में। तसव्वुर कर, सोच कि तू 400 गज के मकान में नहीं 4000 गज की कोठी में, सोच 4000 गज की कोठी जिसमें तू शहजादों की तरह फेरेगा, तसव्वुर कर। नहीं कर सकता मैं तसव्वुर, मैं तसव्वुर करना ही नहीं चाहता हूं। बहुत बड़े लेवल पे शुगर मिल लगा रहा हूं जो मेरी बहन अपने साथ जहेज में लेके जाएगी। सोच इस बारे में कि जब तू बड़े बड़े लोगों से मिलेगा, बड़ी बड़ी जगह आएगा जाएगा, तो लोग तुझे इस नाम से पुकारेंगे कि वो सलमान है जो शुगर मिल की मालकन का शौहर है। शुगर मिल की मालकन का शौहर होने में और शुगर मिल का मालिक होने में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। अब आया पॉइंट पे, अब समझा है तुम्हारा बेटा बात, ठप्पा लगा दूंगा तुझ पे, जमीन पे पड़ा हुआ ना आसमान पे पहुंचाऊंगा, शुगर मिल कोठियां गाड़ियां सब तेरे नाम, निकाह से पहले तेरे नाम कर दूंगा। और बता, खत्म कर सब कुछ और वापस आ जाता है के पास। निकाह हो चुका है मेरा। अबे तो लानत भेज ऐसे निकाह पे, खत्म कर। बशर मोमिन की बहन नहीं है वो जिसको तू तलाक नहीं दे सकता, समझा? और थोड़े ये 50-60 लाख रुपए उस लड़की को भी दे देंगे ताकि उसकी भी शादी किसी अच्छी जगह पे हो जाए, बल्कि अपने खान से करवा देंगे उस लड़की की शादी, ठीक है? मेरे चाचा की बेटी है वो। अबे तो ये भी किसी के खाला का बेटा है, ऐसे ही थोड़ी आया दुनिया में। सोच ले अच्छी तरह से, वक्त देता हूँ तुझे। एक तरफ वो लड़की है अगर जिससे तेरी शादी हो गई तो दुनिया की सारी खुशियां तेरे कदमों में, और एक तरफ वो लड़की है अगर उससे तेरी शादी हो गई तो जो कुछ तेरे पास है वो भी सब छिन जाएगा। सोच, सोच ले। अगर ईमान का सौदा करने में कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन इसके बाद मुझसे नाता नहीं रहेगा, समझे? रुक जा। नहीं, आप मेहरबानी करके यहां से चले जाएं। तू अपने बाप की वजह से मरेगा। सही कह रहा हूं, आज से अपने अच्छे बुरे के तुम लोग खुद जिम्मेदार हो। नहीं नहीं, अभी नहीं। एक बात कही है ना तुझे, मिडिल क्लास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच मिडिल क्लास भी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मारूंगा, फील्डिंग लगा के मारेंगे सालों को। चलो, रुदाबा। हाँ सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा भाई बशर मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। Just please take care of him. My God, I hope नौकरों से कोई गलती ना हो जाए, उसे बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है। जी भाभी, मैं सब कुछ देख लूंगी, आप फिक्र ना करें। ओके, बाय। अब बताऊंगा मैं इस दो ठगे के इंसान को कि बशर मोमिन है क्या चीज। बात सुन, अभी और इसी वक्त 1 करोड़ रुपए सलमान के बाप के अकाउंट में जमा करवा, लेकिन सलमान को ना पता चले। राइट सर। कितने अकाउंट्स हैं हमारे इसके इसके बैंक में? कितने अकाउंट्स हैं? तीन। तीनों कंपनीज बंद कर,
अपने बंदे गायब कर, स्टेट बैंक को मुखबरी कर कि सलमान इसमें मुलव्वज़ है, दैट्स इट। लेकिन सर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और तू मशवरा देगा मुझे, तू बताएगा मुझे कि क्या करना है? अपने पास रख अपना मशवरा। अबे कौन सा जानते वो लोग हमें, जो कह रहा हूं वो कर, दैट्स इट। राइट सर। खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल जा यहां से। सॉरी सर। गो एंड डू इट। जी जी क्या? कुछ नहीं, आप बैठेंगे? क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए चाय बनवा। मैंने कभी पीनी चाय? भाभी ने कहा था। कौन भाभी? सायरा भाभी। तुम कौन हो? मैं रुदाबा। अबे कौन रुदाबा? आदिल भाई की बहन रुदाबा। अरे तो बताओ, मैं समझ जाऊं कोई गेस्ट है। तुम्हारा रास्ता क्यों नहीं खत्म हो रहा भाई? जल्दी पहुंचो, बात करनी है मुझे बड़ी जरूरी। टीवी का यहां रखा हुआ था। मैंने नहीं लिया। ये घर में जिसका जो दिल आएगा वो करेगा, मतलब मेरा घर है। चार कॉल्स किए मैंने तुझे सुबह और अब तू कॉल बैक कर रहा है। अबे ओ बात सुन, जब तू चार खून करके आया था ना मेरे पास, सो आई वाज द वन जिसने तुझे सपोर्ट किया था, समझा? सॉरी मत बोल, मेरी बात कान खोल के सुन, बंद कर गया खड़खड़। खान तुझे सारा कुछ समझा देगा। वह चार से छह बंदे सलमान के घर के सामने चाहिए। खून खराबा नहीं, सिर्फ खौफ, बशर का खौफ। लुकिंग सो नाइस। रियली? या शट अप। आई एम सो सॉरी आई एम लेट। क्या बात, सुनो इधर। ये क्या किया तुमने? तुम्हें क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? तुम थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? मैं मामला नहीं संभाल सकती थी क्या? हमारे घर का मामला था, जो तुम चाहते वो मैं करती थोड़े टाइम के बाद। अब तुम क्यों खड़े हो, बोलो? डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, सदमे से पागल हो रही है। सारा कुछ भी करो, उसका रिश्ता करवाओ, शादी करवाओ, बस मुझे कोई ऐसे लोग चाहिए जैसे जैसे अपने आदिल की फैमिली है। You know, understand करें। वो क्या कहते हैं? Broad minded लोग चाहिए मुझे। सर जी, broad minded। इसकी मंगनी टूटी है। बात को पुराना होने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे दो। तब तक सदमे से मर जाएगी वो। नहीं मरेगी। मैं कहता हूँ मर जाएगी। पागल हो रही है वो। मैं बशर मोमिन इतना पैसा दौलत सब कुछ होने के बावजूद उसकी शादी नहीं करवा सकता, उसका रिश्ता नहीं करवा सकता। बशर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और प्लीज बुरा नहीं माना, ये सारे किस्मत के खेल होते हैं। किसी मौजे का इंतजार है? हाँ, क्या अचानक से सुबह उठेंगे तो पता चलेगा तैयबा की शादी हो गई? ओ वाओ। रुदाबा सुन रही है, आराम से। अबे बाहर में जाए यार, जो भी है, डरता नहीं हूँ मैं किसी के बाप से। इस मुसीबत को कहाँ से लाके रख लिया तुम लोगों ने? अब जो भी बात करनी होगी तो मेरे घर पे आके करोगी, समझी? रखो ये मेहमान अपने। बशर रुदाबा, what's wrong? तुम रो क्यों रही हो? नहीं भाभी, मैं रो नहीं रही। रुदाबा my baby, you are crying. क्यों रो रही हो? भाभी, आपके भाई को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा ना। तुम बशर की बातों से अपसेट हो रही हो? अरे वो तो उसके बात करने का अंदाज है, दैट्स हाउ ही टॉक। एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, ये जो घर है ना, ये बशर ने मुझे गिफ्ट किया। तो वो जब भी यहाँ पर आता है बिल्कुल मालकों की तरह से आता है। अब किसी के भी घर में कोई थर्ड पर्सन आके रहेगा तो किसी भी इंसान को इरिटेशन तो हो ही जाएगी। तो जब तक उसको तुम्हारी आदत नहीं पड़ जाती, तुम्हें उसका ये एटीट्यूड बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम सब तो आदि हैं। इनफैक्ट आदिल तो उसके सामने बिल्कुल बौखला जाता है बिजनेस के सारे डिसीजंस। कोई भी सिफारिश करनी हो आदिल की तरफ से तो मैं ही करती हूँ बशर के सामने।
But you don't have to worry about anything. वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसको तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और फिर वो तुमसे इरिटेट भी नहीं होगा। So stop crying. अब परेशान होना छोड़ दो। I'll be right back. Let me get you some water. तैयबा, what the hell is wrong with you? जब तुम्हें पता है कि बशर हमें तकलीफ में नहीं देख सकता, उसके सामने सिर्फ मुंह लटका के क्यों बैठ जाती हो? He was so mad at Salman, I thought he was going to kill that guy. इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना तो उनकी पुरानी हॉबी है। Just shut up! ऐसा भाई किस्मत वालों को मिलता है? उस 2% की बैंकर के लिए आज तुम्हारी बशर मोमिन की बहन होना एक जिल्लत हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओगी तैयबा, लोग इज्जत के मारे खड़े हो जाएंगे जब उनको ये पता चलेगा कि तुम किसकी बहन हो। खौफ से खड़े हो जाएंगे, इज्जत नहीं करते। सारा जमाना डरता है हमारे भाई के कहर से। तैयबा, तैयबा, just calm down. मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, रिश्ता ढूंढ रही हूं मैं तुम्हारे लिए यार। Take it easy. फिर से तीसरी बार। पहली बार मेरी मंगनी टूट गई भाई के गुस्से की वजह से, उसकी रेपुटेशन की वजह से। दूसरी बार हुई वो भी टूट गई सिर्फ इसी वजह से। अब तीसरी बार होगी वो भी टूट जाएगी उसके मिजाज की वजह से और आए दिन उनके बदनामी के किस्सों की वजह से, आए दिन उनपे होने वाले केसेस की वजह से। सायरा, मेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि भाई ऐसे ही रहेंगे। उनका कारोबार, उनका मिजाज, उनकी बदनामी, रोजाना उनके न्यूज़पेपर में होने वाले किस्से मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। Now you're overreacting. कुछ बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगी, जो मैं कह चुकी हूँ। Then just trust me on it. And I'm sorry to say, तैयबा, इसमें काफी हद तक कसूर तुम्हारी खुद की किस्मत का भी है। We chose the best of the best for you. सबसे अच्छा रिश्ता हम लोगों ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था। अगर लड़के वाले खुद ही बैक ऑफ कर गए तो उसमें बशर क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए, मेरे भाई ने करवा दी। तुम अपनी मर्जी का लड़का लाके खड़ा कर दो, वो शादी करवा देगा, उसको कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए वो अपना लाइफस्टाइल, अपना बिजनेस क्यों बदलेगा? It doesn't make sense. That's unfair. अगर वो मेरी खातिर खुद को बदल नहीं सकते तो फिर मेरी फिक्र करना भी छोड़ दे। Oh God. अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बेटा। How you doing? Good. Doesn't seem so. मुझे सर्वेंट्स ने बताया है कि तुम पूरे दिन से कमरे में कैद हो, अपने नजर नहीं आई बाहर किसी को। All good. बाहर जाने की हिम्मत नहीं बनी भाई। बेटा ये घर है तो जंगल तो है नहीं कि बाहर निकलने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़े। भाई सच बताऊं तो अब्बा के बगैर पूरी दुनिया एक जंगल लगती है। बेटा तुम यहाँ मेरे पास खुश तो हो ना? आई मीन तुम्हें अपनी भाभी के साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। भाभी इज ग्रेट, बहुत अच्छी है मेरे साथ, बहुत ख्याल रखती है मेरा। भाई एक बात पूछूं? पूछो। भाई भाभी ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा? As in, उनको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर सी बात है मैं उनके घर में आ गई हूँ, उनकी प्राइवेसी तो डिस्टर्ब हुई ना। प्रदाबा, ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम्हारा है। इस घर पर जितना हक सायरा का है उतना ही हक तुम्हारा भी है, ओके? पर भाभी तो कह रही थी कि ये घर उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट में दिया। What? किसने कहा है तुमसे? भाभी ने, वो मुझे बता रही थी कि आपकी शादी पे बशर भाई ने उन्हें ये घर गिफ्ट किया। I think it's really nice of her. उनकी ग्रेटनेस ही है ना, अभी तक मुझसे आवाज़ार नहीं हुई और अगर हुई भी है तो दिखाया नहीं। भाई, भाई,